Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes. Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to start second and last part of class nine political science, and the chapter name is "What is Democracy? Why Democracy?" Students, today's point: Why democracy? Point against about democracy. There has been criticism of democracy by various people the charge are that the first it creates instability by changing its leader frequently second democracy is about power play and political competition there is no scope for morality third so many people have to be con consulted before any issue is solved it leads to delay 4.

प्रजातंत्र ही क्यों इसके कुछ अगेंस्ट में पॉइंट हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं इससे अस्थिरता पैदा होती है इट क्रिएट इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट लीडर फ्रिक्वेंटली सेकंड पॉइंट है लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है चुने हुए नेताओं को लो, लोगों के हितों का पता नहीं होता है इसके चलते ख़राब फैसले ही होते हैं लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता रहता है और लास्ट में है सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स ये थोड़ा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट थे अब हम बात करते हैं आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क अभी तक हम लोगों ने थोड़ा डीमेरिट के बारे में जाना लेकिन अब थोड़ा मेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में पहला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो प्रजातंत्र की सरकार होती है वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी प्रजातंत्र में कोई भी डिसीजन आता है उसमें क्वालिटी इम्प्रूव होता है यानी जो भी मतलब डिसीजन होते हैं निर्णय होते हैं वो एक तरीके से गुणवत्तापूर्वक होते हैं थर्ड पॉइंट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफ्रेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रजातंत्र में विभिन्नताएँ और कई सारे विवादों को भी डील किया जाता है यानी कई सारे मतभेदों को कई प्रकार के जो भी विवाद होते हैं उनको सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा तरीका देता है डेमोक्रेसी फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों को सम्मान को बढ़ाता है इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना यानी प्रजातंत्र नागरिकों के सम्मान को क्या करता है बढ़ाता है लास्ट पॉइंट है इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक प्रजातंत्र में हमारी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रॉड तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कैसे है और कुछ और देशों से हम तुलना करते हैं प्रजातंत्र की चीन में उन्नीस से उन्नीस के दौरान एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अकाल पड़ा था इतिहास का अब तक क्या सबसे भयावह अकाल था यह इसमें करीब तीन करोड़ लोग भूख से मरे थे उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं किया इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं होती है अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती यानी वहाँ पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती आप जानते हैं कि चीन में एक ही सरकार चलता है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में हमारे यहाँ तो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका में डुबल पार्टी सिस्टम है इंग्लैंड में डूबल पार्टी सिस्टम है और इंडिया मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वाला कंट्री है चाइना जबकि सिंगल पार्टी सिस्टम वाला कंट्री है इसी नाते चाइना में ज़्यादा स्टारवेशन होता है वहाँ अकाल पड़ता है भूख से लोग मरते हैं क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश को चलाती है जो भी वो चाहें यानी अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती विपक्षी दल अगर होता यानी अपोजिशन की कोई पार्टी होती और सरकार की आलोचना भी कर सकती थी वाली अगर स्वतंत्र मीडिया भी होती इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते अगर वहाँ पर मीडिया होता अपोजिशन में कोई पार्टी होता तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का क्या करती आलोचना करती क्रिटिसाइज करती जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था होता यानी यह भी एक उदाहरण है लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट ढंग से सामने आता है स्टूडेंट्स अब लास्ट है हम लोगों का ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोगों का बृह डेमोक्रेटिक आईडी कैन बी प्रैक्टिस इन वेरियस डिजीजे इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्री कैन बी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशन ए लॉट कैन बी डन टूवर्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हमें अपने गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है okay. लोकतांत्रिक शासन पद्धति बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है जबकि नॉन डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री होते हैं यानी गैर लो, लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी होता है स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने लोकतंत्र के कुछ मेरिट के बारे में जाना ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है थैंक यू